बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो टॉपिक है बायो इंडिकेटर्स वो कंटिन्यूड है। आज हम इसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे, दैट इज़ एनिमल्स एज बायो इंडिकेटर्स। एज़ यू नो, कोर्स एनवायरमेंटल केमिस्ट्री है और माय नेम इज़ डॉक्टर ताहिर मकबूल। तो एनिमल्स के हवाले से देखें तो बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, बहुत सारे ऐसी स्पीशीज़ हैं जिनको हम एज़ बायोलॉजिकल इंडिकेटर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे उनमें से चंद एक को एज एन एग्जांपल डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट एग्जांपल जो हम डिस्कस करेंगे उनमें बीज हैं। सेकेंडली हम क्रस्टेशियंस जो कि एग्ज़ाम्पल हैं आर्थ्रोपोड्स की, उसको डिस्कस करेंगे। इसी तरह फिश हैं, एम्फीबियंस हैं, स्मॉल मैमल्स हैं एंड फाइनली बर्ड्स हैं। तो ये जो छः मुख्तलिफ टाइप्स के एनिमल्स हैं उनको हम देखेंगे एज देयर पोटेंशियल टू बी यूज्ड एज बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स। सबसे पहले बीज के हवाले से चलते हैं। बी का लफ्ज़ आता है तो फौरी तौर पे एक फ्रेज़ हमारे जहन में आती है जिसको हम कहते हैं बिजी लाइक अ बी। तो बी क्या रहती है, हमेशा बिजी रहती है। इनकी जो मूवमेंट है फ्रॉम हाइव्स टू सराउंडिंग जो है ये कॉन्टीन्यूस रहती है। यही जो मूवमेंट है इसको हम नाम देते हैं फ्रेजिंग मूवमेंट का। यही मूवमेंट है जो इनको सूटेबल इंडिकेटर करती है, क्योंकि फ्रेजिंग मूवमेंट का मतलब दे ऑलवेज मूव इन सर्च ऑफ समथिंग। अब उनकी सर्च जो है उनकी मूवमेंट जो है किसी न किसी चीज़ को सर्च करने के लिए होती है, चाहे वो फ्लावर्स का नेक्टर सर्च करना हो या फिर प्लांट्स से उन्होंने फ्लूइड लेना हो इन ऑर्डर टू मेक देयर प्रोपोलिस। तो हम उसको तीन कैटेगरीज में इस मूवमेंट को डिवाइड कर सकते हैं। दैट इज़ फर्स्ट वन फ्रॉम द हाइव्स टू द सराउंडिंग, ये समझ लें कि वैसे चिल आउट करने के लिए मूवमेंट होगी। हारवेस्टिंग नेक्टर एंड पोलन फ्रॉम द फ्लावर, ये समझ लें पर्पज़फुल मूवमेंट है। सिमिलरली हारवेस्टिंग प्रोपोलिस फ्राम दी बर्ड्स ऑफ वेरियस प्लांट स्पीशीज़। तो ये जो मूवमेंट है यही उनको सूटेबल इंडिकेटर बनाती है, क्योंकि ड्यूरिंग दिस मूवमेंट दे इंट्रैक्ट क्लोजली विद दी इन्वायरमेंट विद देयर हैबिटेट, और उस क्लोज इंट्रैक्शन जो है इसके रिजल्ट के तौर पर दे कैन गेट सम कॉन्टेमिनेट्स विच कैन स्टक इन टू देयर बॉडी हेयर्स। अब ये जो कॉन्टेमिनेट्स हैं ये फर्दर ट्रांसफ़र हो सकते हैं इनकी बॉडीज़ के अंदर, तो इसको हम एक प्रोसेस की शक्ल में देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल बी जो है वो ब्रिंग करती है एयरबॉर्न पार्टिकल्स विद इट्स बॉडी हेयर्स। व्हेन द बी लार्वा फीड, जारी बात है बी ने क्या करना होता है, लार्वा को फीड करवाना होता है। रेजिड्यूज एकमुलेट इन देयर बॉडीज, अल्टीमेटली ये क्या कहाँ चले गए, उनकी बॉडीज़ के अंदर चले गए। बाई एनालाइजिंग द लेवल्स ऑफ कॉन्टेमिनेट्स इन देयर बॉडीज़ वन कैन डिटेक्ट द इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। सो हुआ क्या कि फ्रेजिंग मूवमेंट थी बीज की, उन्होंने क्या किया, इंट्रैक्ट किया क्लोजली विद देयर इन्वायरमेंट, और वहाँ से कॉन्टेमिनेट्स इनकी बॉडी में बॉडी हेयर्स के साथ कनेक्ट हुए, और फिर उसी बी ने क्या किया, लार्वा को फीड किया, वो रेजिड्यूज जो है वो उसकी बॉडी में एकमुलेट हुए, और फिर हमने क्या किया उस बॉडी के अंदर उन कॉन्टेमिनेट्स लेवल को क्या कर लिया, एनालाइज कर लिया। हायर लेवल जो है वो शो करते हैं कि एनवायरमेंटल पोल्यूशन है। अगर बहुत ज़्यादा हायर लेवल होंगे यानी कि एक्यूमुलेशन ऑफ रेजिड्यूज बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो रिजल्टेंटली आपकी जो बी की पॉपुलेशन है वो क्या होगी, कम हो जाएगी। तो ये बजाते खुद एक इंडिकेटर है कि उस एनवायरमेंट के अंदर स्पेसिफिकली एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा है। हनी भी एक समझ लें बीज के अंदर ही आप इसे काउंट कर सकते हैं, तो ये भी एक इंडिकेटर के तौर पे सर्व कर सकता है, क्योंकि ये समझ लें प्रोडक्ट है किसकी, बी की। सो हम हनी के अंदर मुख्तलिफ टॉक्सिक मॉलिक्यूल को एनालाइज कर सकते हैं, हैवी मेटल्स को एनालाइज कर सकते हैं, कुछ केमिकल्स जैसा फंगिसाइड्स या हर्बिसाइड्स को, चूँकि इन्होंने क्लोज इंट्रैक्शन शो करनी है विद देयर प्लांट्स एंड फ्लावर्स, तो ये फंगिसाइड्स या हर्बिसाइड्स भी इनकी बॉडी के अंदर इनके बॉडी के साथ हनी के अंदर ट्रांसफ़र हो सकती हैं। तो हनी के अंदर हम टॉक्सिक मॉलिक्यूल हैवी मेटल्स या फंगिसाइड हर्बिसाइड्स को टेस्ट कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, और उस उन लेवल्स को मॉनिटर कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं विद ऑप्टिमम लेवल्स, और जिससे हम एनवायरनमेंट की क्वालिटी को क्या कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो एग्जांपल है दैट इज़ क्रस्टेशियंस। ये समझ लें कि क्रस्टेशियंस आपको पता है कि आर्थ्रोपोड्स का एक ग्रुप है जो कि तकरीबन एक्वेटिक हैबिटेट्स और टेरेस्ट्रियल दोनों में आपको मिलेगा।
ठीक है, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये उसकी कुछ एक पिक्चर ऑफ पिक्टोरियल डायग्राम है जिसमें आप मुख्तलिफ एग्जांपल्स देख सकते हैं। अब ये जो डिस्ट्रीब्यूट होता है मैरीन एनवायरनमेंट के अंदर भी आपको मिलेगा, फ्रेश वाटर में भी मिलेगा, आपको टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स भी इनके मिलेंगे। तो ये क्रस्टेशंस आपको बहुत वैरायटी ऑफ प्लेसेस के ऊपर मिलेंगे। तो लिहाजा मुख्तलिफ इकोसिस्टम्स को मॉनिटर करने के लिए इनकी जो डाइवर्सिटी है उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं और इनको एक अच्छे पोटेंशियल बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स के तौर पे देख सकते हैं। फीचर्स अगर देख लें तो रिप्रोडक्टिव जो इम्पोर्टेंट फीचर्स है जिनके अंदर चेंज या हम देखते हैं तो वो इनको बनाती हैं एक अच्छा बायोलॉजिकल इंडिकेटर। इसमें सबसे पहले रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजीज़ हैं, इनके अंदर कुछ ऑर्गेनिज्म के अंदर स्पेशल रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजीज़ होती हैं जिनको आप लैब के अंदर मॉनिटर कर सकते हैं। इनके फीडिंग हैबिट्स हैं, इनकी ड्रिफ्टिंग है, ड्रिफ्टिंग का मतलब करंट ऑफ जो एयर या वाटर इनको एक जगह से दूसरी जगह मूव करवाता है, और फिर इनकी लोकोमोशन है इन सर्च ऑफ फूड या इन सर्च ऑफ ब्रीडिंग है, रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजी एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। अब ये जो फीचर्स हैं इनको हम मॉनिटर करते हैं और इनको एज अ बायोलॉजिकल इंडिकेटर इस्तेमाल कर सकते हैं। दीज फीचर्स हैव प्रूव टू प्रोवाइड सेंसिटिव एंड पॉइंट्स विद रिस्पेक्ट टू देयर कैपेसिटी एज बायो इंडिकेटर्स। फिर हमारे पास जो नेक्स्ट आती है दैट इज़ फिश। फिश जो है वो एक्वेटिक हैबिटेट के लिहाज से बड़ी एक्सीलेंट बायोलॉजिकल इंडिकेटर के तौर पर इस्तेमाल होती है। अब आपको पता है कि वाटर पोल्यूशन मेजर प्रॉब्लम है आपकी जो यूनिवर्स का इस टाइम, तो वाटर पोल्यूशन डायरेक्टली आपके एक्वेटिक हैबिटेट्स को क्या कर रही है, अफेक्ट कर रही है, और उसकी जो फिज़िकल और केमिकल करेक्टरिस्टिक्स जो हैं एक्वेटिक एनवायरनमेंट की वो क्या कर रही हैं, चेंज हो रही हैं। ठीक है, और उसका नतीजा अल्टीमेटली किसके ऊपर आ रहा है, एक्वेटिक फूड वेब्स के ऊपर, और फिश जो है एक्वेटिक फूड वेब का बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट है आपको पता है। हम पोल्यूशन को बाय यूजिंग फिश एज इंडिकेटर जो है वो आप क्या कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं। ये यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, ये फिश कर लीजिएगा, ई एस नहीं आएगा। ठीक है, सो फिश आर यूज्ड टू डिटेक्ट इंक्रीजिंग पोल्यूशन इन द डाउन स्ट्रीम कॉज्ड बाय वेरियस एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ इंक्लूडिंग इंडस्ट्रियल पोल्यूशन। डेफिनेटली जब भी पोल्यूशन की बात आती है तो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ की बात आती है, यानी कि ह्यूमन ही है जो बेसिकली काज करता है पोल्यूशन को, और उसके अंदर मुख्तलिफ जो सोर्सेज हैं उनके अंदर इंडस्ट्रियल जो सेटलमेंट्स है या इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है, इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है ह्यूमन की तरफ से, वो बेसिक काज होता है। स्पेशली हम पहले भी बात कर चुके हैं, तो इंडस्ट्री जो है वो अलॉन्ग द रिवर या अलॉन्ग द सी एस्टेब्लिश हुई है शुरू में बहुत ज़्यादा, क्योंकि अक्सर इंडस्ट्रीज़ को वाटर एज अ कूलिंग एजेंट चाहिए होता है। ठीक है ना, तो वहाँ पे फिर जाहरी बात है जब वो अलॉन्ग द वाटर सोर्स आप एस्टेब्लिश करेंगे तो अक्सर इंडस्ट्री जो है वो अपना एफ्लुएंट्स जो है वो उसी वाटर बॉडी के अंदर डाल देते हैं। तो इस एक्टिविटी की वजह से जो आपका एक्वेटिक एनवायरनमेंट है उसके फिज़िकल और केमिकल करेक्टरिस्टिक्स चेंज होते हैं, और उसके नतीजे के तौर पे आपका एक्वेटिक फूड वेब जो है वो भी डिस्टर्ब होता है। अब मुख्तलिफ फीचर्स हैं जिसको रिस्पॉन्स करता है फिश जो है रिस्पॉन्स करती है मुख्तलिफ न्यूट्रंट्स को। इसमें सबसे पहले एक्सपोजर टू हैवी मेटल्स हैं, इट मे रिड्यूस वॉल्यूम ऑफ फिश ओसाइड्स, यानी कि अगर हैवी मेटल्स बहुत ज़्यादा होंगे आपके एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर, सो डायरेक्टली जो इफेक्ट आएगा फिश के ऊपर वो उनकी जो फिश के ओसाइड का वॉल्यूम है दैट विल बी रिड्यूस्ड। सिमिलरली एक्सपोजर टू जिंक कैडमियम कॉपर मरकरी आर पेस्टिसाइड जो है मे काज अप टू 80% रिडक्शन इन एग प्रोडक्शन। तो दूसरा जो इम्पैक्ट आता है उनकी एग प्रोडक्शन पे आता है, डेफिनेटली वो साइड जो अगर उसका वॉल्यूम रिड्यूस हो रहा है तो अल्टीमेटली जो इम्पैक्ट उसकी एग प्रोडक्शन के ऊपर ही आना है। सिमिलरली अगर लो पीएच लेवल है, मतलब आपकी एसिडिटी जो है वाटर बॉडी की बहुत कम हो गई है, तो इट माइट इन्हांस टॉक्सिक इफेक्ट ऑन द रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ द फिश। तो यहाँ पे भी आपके जो फिश की रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके ऊपर टॉक्सिक इफेक्ट आ सकते हैं अगर आपकी एसिडिफिकेशन वाटर बॉडी के अंदर ज़्यादा है। सिमिलरली बायो एक्यूमुलेशन ऑफ कॉन्टेमिनेंट्स है, बहुत सारे कॉन्टेमिनेंट्स जो है वो एक्यूमुलेट हो गए हैं मुख्तलिफ लिविंग ऑर्गेनिज्म में, इट लीड्स टू दैवी एलिवेटेड हैवी मेटल कंसनट्रेशन इन देयर बॉडी, जो अल्टीमेटली एक्वेटिक फूड वेब या इवन के फूड चेन को भी अफेक्ट कर सकती है।
सिमिलरली लो कंसनट्रेशन ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन जो है इट इंटरफेयर्स इन योक एक्युमुलेशन एंड कॉन्सिक्वेंटली आल्टर दी ओोसाइट साइज. अल्टीमेटली रिजल्ट क्या निकलता है, डिक्लाइन इन द रिप्रोडक्शन पोटेंशियल इन द फिश. तो ज़्यादातर जो प्लोटेंट्स हैं अगर आपने यहाँ पे देखा है तो ओोसाइट को अफेक्ट करते हैं और उससे उनकी जो एग की प्रोडक्शन है वो कम होती है और सिमिलरली जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो उनका क्या होता है, इफेक्ट होता है. तो ये वो प्लूटेंट्स के कुछ एग्जांपल्स थी जो कि डायरेक्टली फ़िश को अफेक्ट करती हैं और फ़िश का जो रिस्पांस है इन फैक्टर्स के अगेंस्ट जो है वो फ़िश को बड़ा अच्छा बायोलॉजिकल इंडिकेटर बना देता है. अब यहाँ पे मैंने दो एग्जांपल्स डिस्कस की हैं. सबसे पहले एक फ़िश है दैट इज़ आस्टिया नेक्स फेसियाटस, ये उसका समझ लें कि जो साइंटिफिक नेम है, ये उसकी पिक्चर एक है जो गूगल से हमने ली है. सो इसके बेसिकली रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जैसे हम पीछे आएंगे, पोलूटेंट्स जो हैं वो डायरेक्टली उसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम को अफेक्ट करते हैं. तो उसकी स्टडी जो है ये रिपोर्टेड थी लिटरेचर के अंदर. तो उसमें जो है ना दो ऑब्जर्वेशन जो हैं वो बेसिकली ये थिंग रिडक्शन इन द मीन ओवरसाइड डायमीटर, जो उनके ओवरसाइड सेल हैं उनका डायमीटर क्या हो गया, रिड्यूस हो गया. गोनेडल इंडिसेस रिडक्शन हुई इन गोनेडल इंडाइसेज. गोनेडल इंडाइसेज क्या होते हैं, इट इज़ अ रिलेशन बिटवीन वेट ऑफ द गोनेड्स एंड द वॉल्यूम ऑफ द फिश, यानी फिश की बॉडी का वॉल्यूम जो है और उसके गोनेड्स का जो वेट है उनके दरमियान जो रिलेशनशिप है उसको गोनेडल इंडाइसेस करते हैं. तो इसके अंदर रिडक्शन हुई, पहली क्या रिडक्शन है इन ओवरसाइड डायमीटर, देन इन रिडक्शन इन गोनेडल इंडाइसेस एंड देन फाइनली द रिडक्शन इन गोनेडो सोमैटिक रिलेशनशिप. गोनेडो सोमैटिक रिलेशनशिप क्या है, इट इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन वेट ऑफ द गोनेड्स एंड वेट ऑफ द बॉडी. पहला जो था गोनेडल इंडाइसेस वो लेते हैं गोनेड जो रिलेशनशिप लेते हैं वो वेट ऑफ गोनेड्स का वॉल्यूम ऑफ द फिश के साथ, यहाँ पे वेट ऑफ गोनेड्स का वेट ऑफ बॉडी लेते हैं. तो इसके ऊपर स्टडी जो थी इस फिश के ऊपर, ये जो स्पेसिफिकली यहाँ पे शो की गई ये वाली फिश, तो इसकी इन तीन जो करेक्टरिस्टिक्स हैं उनके अंदर जो रिएक्शन है वो मोनिटर की गई ड्यूरिंग अ स्टडी. तो ये अब इनको कैसे पता चला कि ये रिडक्शन हुई है, तो सैंपल जो है वो पोल्यूटेड वाटर से भी लिए गए और जो स्टैंडर्ड भी यूज़ किया गया जिसके अंदर अनपोल्यूटेड साइड से भी सैंपल लिया गया और फिर उन दोनों को कंपेयर करके ये जो रिडक्शन इन वेरियस करेक्टरिस्टिक्स है ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो है ये स्टडी की गई. अब इसका काज क्या है, डेफिनेटली काज है कि हाई लोड्स ऑफ ऑर्गेनिक एंड इंडस्ट्रियल सीवेज इन पोल्यूटेड वाटर बॉडी. तो वाटर पोल्यूशन बेसिकल कॉज था इस रिडक्शन ऑफ वेरियस ओवरसाइट एंड अदर करेक्टरिस्टिक्स. तो ये जो उसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर ये जो इफेक्ट्स आए हैं ये डायरेक्टली रिलेट करते हैं हाई लोड्स ऑफ ऑर्गेनिक एंड इंडस्ट्रियल सीवेज इन पोल्यूटेड वाटर बॉडीज. ये एक और एग्जांपल है फिश के हवाले से, दैट इज़ माइटोमस साल्ट टेट्रिक्स, ये उसका साइंटिफिक नेम है, कॉमन नेम है, इसे ब्लू फिश भी कहते हैं, ये देख लें. सो ब्लू फिश बेसिकली प्रेडेटर, दूसरे लफ्ज़ में आप इसे कॉर्निवोर्स कह लें. इट गेट्स कॉन्टेमिनेट्स फ्रॉम वाटर एंड फूड, ये फूड या वाटर से कॉन्टेमिनेट ले लेती है अपने. और अब ये बताते खुद, अगर इसका स्मॉल साइज़ है इट कैन बी ईटन बाय द लार्ज प्रीडेटर सच एज लार्जर ब्लू फिश, या फिर शार्क भी इसे ईट कर सकती है. सो अगर हम इस फिश को एज एन एग्जांपल ले लें और इसके अंदर इसकी टिश्यू के अंदर जो कॉन्टेमिनेशन हैं वो स्टडी कर लें मुख्तलिफ पोलूटेंट्स की, तो हम उस एनवायरनमेंट को क्या कर सकते हैं, असेस कर सकते हैं इफेक्ट ऑफ कॉन्टेमिनेंट्स टू द फिश इटसेल्फ. ना सिर्फ उस फिश के ऊपर जो इसके इफ़ेक्ट हैं उसको देख सकते हैं, बल्कि हम जो इसको प्रीडेटर हैं जिसमें बर्ड्स भी हैं, ह्यूमन भी हैं या दूसरी फिश हैं, उनको भी हम क्या कर सकते हैं, उनकी जो प्रोबेबिलिटी है कि उनके अंदर कॉन्टेमिनेट्स की अमाउंट कितनी होगी उसको भी हम स्टडी कर सकते हैं. सो अगर इसको मैं दोबारा रिपीट करूँ, इट इज़ अ प्रीडेटर गेट कॉन्टेमिनेट्स फ्रॉम वाटर एंड फूड. Can be eaten by larger predators such as shark or large bluefish. By understanding level of contamination in the tissue of the bluefish, it is possible to assess the effects of contaminants to the fish itself, as well as it is possible to assess the probability to transfer contaminants to its predators. अब predators में shark, bluefish, large bluefish आ सकती हैं, including जिसमें birds भी आ सकते हैं और human जो कि fish को as a food इस्तेमाल करते हैं.
तो ये दो एग्ज़ाम्पल थे फ़िश के हवाले से। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी को कंटिन्यू करेंगे, एनिमल्स की कुछ और एग्ज़ाम्पल्स पढ़ेंगे, लाइक एम्फीबियंस देखेंगे, बर्ड्स देखेंगे, ये स्मॉल मैमल्स देखेंगे, प्लस हम जो माइक्रोबियल्स एज अ बायोलॉजिकल इंडिकेटर उसको भी स्टडी करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, फ़ी अमान अल्लाह।